निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। तो हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉय हुसैन शेख, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुसैन शेख ब्लॉग। सबसे पहले आप सभी को ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हमारे इस छोटे से गांव में हम किस तरीके से ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और क्या क्या करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप ईद मिलादुन्नबी क्यों मनाते हो भाई? हम क्यों ना मनाएं? जिनके सदके हमें ये दो जहां मिले, ये पूरी कायनात मिली, हम उनकी ईद ना मनाएं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंशाल्लाह हश्र तक हम सरकार की ईद मनाते रहेंगे। आप सभी को जश्न ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। मुबारक दिन पे आज हमारे साथ जुड़ सके जनाब असलम भाई अत्तारी। हजरत आप कुछ कहना चाहोगे? ये कहेंगे कि मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। लोग कितना भी रोकेंगे लेकिन हम जश्न विलादत मनाना नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, हश्र तक मनाएंगे इंशाअल्लाह। और फिर खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, बेशक लगाते जाएंगे। ये झोली आप लोगों के सामने है, ये घर पर गए थे, मोहल्ले में गश्त लगाई, झोली में कुछ ना कुछ तो दिए रहेंगे, मैं उसके लिए इनकार नहीं करता, लेकिन मेरी आप लोगों से बहुत ही ज्यादा गुजारिश है कि बारहवीं वाले आका की बारहवीं की निस्बत से अगर कम से कम हर आदमी 12 रुपया भी झोली में डालेगा ना, तो इंशाल्लाह बहुत कुछ होगा। तो आप लोगों ने देखा आज हमने किस तरीके से ईद मिलादुन्नबी सेलिब्रेट किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। मैं इसी तरह के हमेशा कंटेंट लाते रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।